नमस्कार, अगली खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज के आनंद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक चाट की दुकान है, जहां चाट खाने वालों की भीड़ रहती है। दुकानदार का नाम है सुनील, जिसे लोग सुनील चाट के नाम से जानते हैं। 5 साल पहले विधायकी का चुनाव लड़ने वाले सुनील आज लोगों को चाट खिला रहे हैं। सुनील कहते हैं कि चाट बेचना मेरा व्यवसाय है और चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी। वह चुनाव खुद के साथ साथ दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। सुनील के जीवन में एक हादसा होता है कि वो चुनाव लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। 2016 में विरोधियों ने जमीन विवाद को लेकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। न्याय के लिए सुनील दर दर भटकते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। अंत में 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शहर उत्तरी से विधायकी का चुनाव लड़ा। सुनील कहते हैं कि वर्ष 2017 के पहले यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी कि वह तंग आ चुके थे। दबंग उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। इस गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा, लोग मेरे साथ थे, लेकिन कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार ना होने के नाते मुझे हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यदि किसी राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिलता है तो वह 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर उतरेंगे। सुनील गुप्ता कहते हैं कि जब से प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, तब से यहाँ गुंडाराज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सुनील को उम्मीद है कि योगी सरकार में उन्हें न्याय मिलेगा। वह कहते हैं कि योगी सरकार आने के बाद से वह अपना काम बिना किसी भय के कर रहे हैं। उनके शरीर के हिस्सों में आज भी गोली लगने के निशान साफ दिखते हैं। सुनील तो खुद हाई स्कूल तक ही पढ़े हैं, लेकिन अपनी तीनों बेटियों को डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा रहे हैं। 2016 में हमारे साथ गनशॉट हुआ, जानलेवा हमला हुआ, सर फटा, बाएं पैर में गोली लगी। आए दिन यहाँ पे करने गए, पुलिस की बार बार ये कहना था कि आपने अपराध जो हुआ नहीं है, आपने गोली खुद मारी है अपने पैर पे। अब मुझे न्याय के लिए मैं हर दरवाजे को खटखटाया, कहीं DGP साहब तक मैं लखनऊ तक गया, मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ये माननीय योगी जी की सरकार में 2016 गनशॉट के बाद जब 2017 में योगी जी की BJP की सरकार आई, उसके बाद आज तक मेरे साथ कोई सी हरकत नहीं हुई।